पूरे का पूरे मीडिया को कंट्रोल, ऐश्वर्या राय के बारे में बता देंगे, क्रिकेट दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको चुभते हैं, जो आपका दर्द है, आपके जो सपने हैं, इनके बारे में आप, इनके इनके बारे में ये, आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, खड़े हैं यहां पे, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, कैमरा चलाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के टीवी पर आपने कभी बेरोजगारी पर डिबेट देखा है? कभी महंगाई पर डिबेट देखा है? कभी किसानों के बारे में डिबेट देखा है? कभी अग्निवीरों के बारे में डिबेट देखा है? नहीं। आपको बॉलीवुड के बारे में बता देंगे, ऐश्वर्या राय के बारे में बता देंगे, क्रिकेट दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे हैं, जो आपको चुभते हैं, जो आपका दर्द है, आपके जो सपने हैं, इनके बारे में आप, इनके इनके बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कंट्रोल कहीं और है। पूरे का पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते हैं मीडिया पे आता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना होगा, और इसलिए हम 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर। और उस यात्रा में मैं आपको बताऊं, सुबह उठते थे, रोज 25-30 किलोमीटर चलते थे, रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकानी नहीं हो रही। जैसे आज सुबह हम निकले, 8 घंटे हम आपकी सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट को मारा, मगर कोई थकान नहीं हो रही, कोई थकान नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि असम की जनता का प्यार, असम की जनता की शक्ति हमारे साथ है, ये इसलिए हो रहा है।